भारत फैटफ में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट नहीं करवा सकता, इस ख्वाब को भूल जाए। वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ह तौर पर कह दिया कि फैटफ में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में शामिल करवाना भारत के लिए कभी कामयाबी का हसूल नहीं हो सकता। वजीर आजम इमरान खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैकलिस्ट में डालने में कभी भी नाकाम नहीं हो सकता, भारत इस ख्वाब को भूल जाए। वजीर आजम ने गुज़िश्ता रोज़ कोटली में एक बड़े हजूम से खिताब करते हुए भारत को ये पेशकश की थी कि वो कश्मीर पर बात करे, लेकिन इससे पहले वहाँ खसूसी हैसियत को बहाल करना होगा। और इसके ठीक एक रोज़ बाद वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ह तौर पर ऐलान कर दिया है कि भारत पाकिस्तान को दबाने में नाकाम रहेगा, और अगर वो कोई ऐसा ख्वाब देख रहा है कि फैटफ के आइंदा इजलास में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करवाने में कामयाब हो जाएगा तो ये महज एक दीवाने का ख्वाब साबित होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान के मकासद को मैं जान चुका हूँ, नई दिल्ली कभी भी इस्लामाबाद को दुनिया से अलग थलग करने में कामयाब नहीं हो सकती, बल्कि भारत खुद दुनिया से अलग थलग होता जा रहा है, और भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भारत के लिए दरअसल बदनामी और हजीमत का बायस बनता जा रहा है, जिसकी खिफत को मिटाने के लिए भारत ये चाहता है कि वो पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करवाए, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने भारत से मसला कश्मीर पर बातचीत करने के लिए फिर से पेशकश की है, लेकिन इससे पहले एक ही पाकिस्तान की शर्त है कि कश्मीर की खसूसी हैसियत को बहाल किया जाए, क्योंकि कश्मीर दोबारा से एक दफ़ा फिर बैन अल-अक़वामी सतह पर सामने आ चुका है और अब तमाम ममालिक और पूरी दुनिया इस मसले पर नज़रें जमाए हुए है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर फैटफ को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है और इंशाल्लाह पाकिस्तान इसमें कामयाब भी होगा, लेकिन भारत के ऐसे तमाम अजाइम और तमाम मंसूबे नाकाम ठहरेंगे और भारत को बदनामी का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने मआशी महाज पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुल्की सनत दुरुस्त सम्त की तरफ गामजन है और माजी से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है।